नगर आयुक्त के विरोध में महापौर का खेमा हुआ तैयार, करेगा नगर आयुक्त को हटाने का पत्राचार नगर विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री से। भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त के विरोध में महापौर का विरोधी जंग का विधिवत शुरुआत हो गया है, जहां भागलपुर नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति सहित मेयर ने नगर आयुक्त के खिलाफ नगर आयुक्त के तानाशाही और मनमानी को लेकर नगर आयुक्त के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। वहीं नगर निगम के सशक्त स्थायी समितियों के बैठक में महापौर सहित कई वार्ड पार्षदों का विरोधी तेवर शुरू हो गया है। नगर निगम सशक्त स्थायी समितियों के बैठक के उपरांत भागलपुर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि भागलपुर नगर आयुक्त भागलपुर शहर के विकास का विरोधी है, जहां बैठक में लिए गए निर्णयों को धरातल पर विकास का अंजाम नहीं होने देता है। इसके लिए नगर विकास विभाग एवं मुख्यमंत्री बिहार सरकार को नगर आयुक्त को हटाने का पत्राचार किया जाएगा। जबकि वार्ड पार्षदों ने कहा कि भागलपुर शहर कूड़े के ढेर में है, वार्ड पार्षदों के बैठक में लिए गए निर्णयों का विरोधी है, जहां वर्तमान नगर आयुक्त के रहते भागलपुर नगर निगम का विकास संभव नहीं है। इसके खिलाफ वार्ड पार्षद सहित सशक्त स्थायी समिति सदन से सड़क पर उतरेंगे। जैसे वार्ड नंबर 13 में जो निगम के द्वारा विभागीय कार्य पिछले डेढ़ महीने से मारवाड़ी कॉलेज के पास जो काम हो रहा है, मुझे जानकारी क्यों नहीं दिया गया? जब मुझे पता चला तो इंजीनियर मुझे झूठ क्यों बोला? पार्षद के अधिकार का हनन क्यों किया गया? इससे साफ जाहिर होता है कि इस काम में बहुत बड़ा घोटाला होने वाला है। इस पर विचार तो प्रस्ताव के आलोक में समिति सदस्यों द्वारा उच्च स्तरीय जाँच कराने की सहमति प्रदान की। तीसरा प्रस्ताव उनका था, अब तक पार्षद भवन क्यों नहीं बना, जबकि दो बार इंजीनियर द्वारा स्थल का नापी किया गया? इस पर विचार, इस पर कोई खास निर्णय नहीं लिया गया। प्रस्ताव चार पे 12 सीटर 2 मंजिला शौचालय निर्माण का टेंडर लगभग 2 वर्ष पूरा हो चुका है, अब तक क्यों नहीं बना? इस पर विचार, इसमें निर्णय लिया गया। प्रभारी योजना शाखा द्वारा जानकारी दी गई कि संबंधित प्रस्ताव संख्या 3 की निविदा प्रक्रिया जल्दी की जाएगी तथा प्रस्ताव संख्या 4 के आलोक में अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। फिर वार्ड नंबर 13 में स्टेट बोर्ड किसी भी समय फेल हो सकता है, इसलिए कई बोर्ड में ये प्रस्ताव दिए, लेकिन इस पर अब तक कोई विचार क्यों नहीं हुआ? इस पर प्रभारी जलकल शाखा उप प्रस्ताव के आलोक में आज हम लोगों की सशक्त स्थायी कमेटी की बैठक थी। आज ये इस साल की पहली बैठक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बैठक में हमारे नगर आयुक्त साहब नहीं उपस्थित हुए। यहाँ रहते हुए भी वो बैठक में नहीं आए और किसी भी अधिकारी को भी अधिकृत नहीं किया कि बैठक में जाए। तो मैं उनका जो ये कारनामा है बहुत ही निंदनीय है। ये पिछले साल की भी जो बैठकें हुई है उसमें भी वो बहुत में जो स्थायी समिति की एक बैठक हुई थी, यहाँ रहते हुए वो नहीं आए थे। जो दिनांक 7/6/23 को हुई थी वो आपातकालीन बैठक थी और वो नहीं आए, तो उनके अगेंस्ट में हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया था और उनसे स्पष्टीकरण हमने पूछा था कि आप क्यों नहीं आए। फिर हमने सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई 28/12 को, तो उसमें भी वो आए, लेकिन ये कहकर चले गए कि मैं जल्द ही लौट के आ रहा हूँ, और 3-4 घंटे तक नहीं आए। उसके बाद ये भी खबर करा दिया कि मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग कराई और उनके अगेंस्ट निंदा प्रस्ताव पारित किया। तो उनकी ये उनका ये आदत बन गया है मीटिंग का बहिष्कार करना। यदि वो मीटिंग का इस तरह से बहिष्कार करते रहेंगे तो हमारे शहर का विकास होगा कैसे? वो पार्षदों का नहीं सुनेंगे, हमारे जनप्रतिनिधि का नहीं सुनेंगे, तो आए किस लिए हैं? नगर निगम में उनकी क्या जरूरत? इसी के मद्देनजर और वो जब इस तरह से हम लोगों का नहीं सुनेंगे, मेयर का नहीं सुनेंगे, सशक्त स्थायी समिति जो एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी है जिनके हाथ में सारी शक्तियां हैं उसका नहीं सुनेंगे, तो उनके अगेंस्ट में हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट को, बिहार सरकार को, नगर विकास विभाग को इनको यहां से वापस करने के लिए पत्र लिखा। धन्यवाद।